Hey, so hello and welcome guys, this is Lukanda Kothari and welcome back my YouTube channel Kothari Christian. So guys, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube channel को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe करो और bell icon को press कर देना. और guys, ऐसे interesting video आप देखना चाहते हो तो channel को subscribe कर लेना. So guys, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे रियाज की तरह रियाज से वीडियो कॉलिंग कर सकते हो. गाइस ये टिकटॉक पर बहुत वीडियो वायरल हो रही है, तो गाइस इस वीडियो को कैसे बनाना है. तो गाइस अब आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको एक ऐप की जरूरत होगी जिसका नाम है काइन मास्टर. तो गाइस अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो गाइस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. उसका प्रो ऐप का लिंक मतलब लेना चाहते हो, मतलब इसको डाउनलोड करना चाहते हो प्रो ऐप को, तो आप YouTube पर डाउनलोड कर सकते हो सर्च कर कर. तो गाइस अब आपको मैंने इसको ओपन कर लेना आपको भी, और प्लस का आइकन में जाना है. उसके बाद 9:16 सेलेक्ट कर लेना. उसके बाद मीडिया में जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है जो कि आपके 15 या 16 तक की, आप 15 सेकंड की आपको वीडियो ले लेनी है. उसके बाद लेयर में जाना है और मीडिया में जाना है. उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर जाने के बाद गाइस अब आपको यहाँ पर लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उसके बाद डाउनलोड में जाना है. तो गाइस रियाज की जो वीडियो कॉलिंग है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ग्रीन स्क्रीन, तो वापस इसको डाउनलोड कर लेना है. उसके बाद इसको यहाँ पर लेके आ जाना है. तो गाइस अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर देना है इसको स्क्रीन को. अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो गाइस अब यहाँ पे आपको इसको करना है क्लिक, इसके ऊपर क्रोमा की पे जाना है, उसके बाद इनेबल कर देना है. तो गाइस देख सकते हो इस टाइप से होगी. तो गाइस अब आपको करना क्या है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, फिर इसके बाद कैमरे में जाना है. उसके बाद गाइस एक वीडियो उठा लेनी है जो कि आपको इस टाइप की रिकॉर्डिंग करनी है. कुछ भी आप बोल भी सकते हो, बातचीत कर सकते हो. तो गाइस देख सकते हो मैंने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया, तो मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो उसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ पर. तो देख सकते हो गाइस अब आपको सिंपली आपको बताऊँगा आपको करना है. इसके बाद क्लिक करना है, उसके बाद इसको स्प्लिट स्क्रीन में जाकर फुल स्क्रीन कर लेना है. तो अब इसको रियाज पर इसी जो ग्रीन स्क्रीन की वीडियो होगी उस पर क्लिक करना है. उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है गाइस. जैसे ही आप कर देते हो तो गाइस वीडियो कॉलिंग कर लो, मतलब ये ग्रीन स्क्रीन ऊपर आ जाती है. तो गाइस इस टाइप से देख सकते हो गाइस. अरे बहुत देर से रिंग हो रहा था रिसीव. तो गाइस देख सकते हो गाइस यहाँ पर. तो गाइस जैसे ही ख़त्म होता है गाइस तो आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाना चाहिए. तो गाइस अब आप करना क्या होगा, यहाँ पर देख अच्छे से कर लेना है गाइस आपको. अब जैसे कि यहाँ पर आया तो यहाँ पे आपको कट करना है, उसके बाद स्प्लिट टू प्ले हेड कर देना है. तो उसके बाद गाइस ये जो होगी गाइस यहाँ पर सेलेक्ट करके गाइस यहाँ पर इसको क्लिक. सॉरी गाइस बैठ जाता हूँ यार. तो गाइस अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाना है, उसके बाद इसको यहाँ से कट कर लेना है ग्रीन स्क्रीन को. और जैसे ही आप कट करते हो गाइस तो गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा. और इसको आपको कुछ ऐसे दिखा देना है. तो गाइस अब आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो. अरे बहुत देर. तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो गाइस. और
इसका जो म्यूज़िक है तो गाइज वो आप लगाना चाहते हैं तो गाइज मेरे टिकटॉक का वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको देखकर लगा देना और उस प्लस के आइकन पर क्लिक करना, उसका डाउनलोड आपको ये कर देना है पब्लिक। तो गाइज देख सकते हो गाइज टाइप के वीडियो बड़ी आसानी से बना सकते हो गाइज। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं आए आपको पसंद तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, और कुछ समझ में नहीं आया तो गाइज आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जय हिंद वंदे मातरम। अब आपको सेव करना तो भूल ही गए यार, अब सेव कैसे करना है गाइस। इसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद यहाँ पे आना है, शेयर में जाना है, उसके बाद गाइस 160 आपको 30 फ्रेम में कर देना, उसके बाद देख सकते हो गाइस फुल HD में, यहाँ के बाद एक्सपोर्ट कर लेना, उसके बाद आपको डायरेक्टली अपलोड कर देना है टिकटॉक पर।